आज बुनकर और शिल्पकार भाइयों बहनों के लिए मैं समझता हूं एक स्वर्णिम अवसर है। आपके पास अपने पूर्वजों से ये कौशल्य तो प्राप्त है, दुनिया के लोगों को अचंभित करने वाली चीजें निर्माण करने का आप में सामर्थ्य है, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर यही हाल रहा तो इस काशी क्षेत्र के मेरे शिल्पकार भाई बुनकर भाइयों को कभी विश्व के सामने अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं आता। ये इनिशिएटिव ऐसा है जो हमारे इन छोटे छोटे बुनकर भाई शिल्पकार भाई बहन जो अपनी कलाकारी के द्वारा अपने हस्तकला के द्वारा जो निर्माण करते हैं, अगर उसको एक वैश्विक बाजार नहीं मिलता है तो उसकी आर्थिक गतिविधि अटक जाती है। मैं जब नया नया यहां सांसद बनकर के इन बुनकर भाइयों से बातचीत कर रहा था तो मैं एक ही बात सुन रहा था कि हमारे बच्चे अब इस काम में जुड़ना नहीं चाहते, हमारे परिवार के सदस्य अब इससे बाहर निकलना चाहते, वे पढ़ लिख करके कहीं बाहर जाना चाहते हैं। और तभी मुझे लगा कि इतना बड़ा सामर्थ्यवान आर्थिक गतिविधि का हथियार अगर हमारे इन परिवारों से छूट जाएगा तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसी अमानत आपके पास है जिससे आप दुनिया को चकाचौंध कर सकते हैं। और जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है, दुनिया भी भारत की इस विशेषताओं के प्रति आकर्षित हो रही है, और इसलिए 300 करोड़ की लागत से बनी हुई ये इमारत, ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का परिचय कराने वाली, ये हमारे काशी क्षेत्र के शिल्पकार बुनकरों के सामर्थ्य की एक ऐसी कथा को संजोए हुए हैं जो भविष्य के नए दरवाजे खोलने की ताकत रखते हैं। मैं यहां के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से, टैक्सी वालों से आग्रह करूंगा कि काशी में अगर कोई भी टूरिस्ट आता है उस टूरिस्ट को यहां जरूर ले आइए, आग्रह करके ले आइए, एक ही जगह पर काशी क्षेत्र के सामर्थ्य का उसको परिचय करवाइए। और जो भी टूरिस्ट आएगा कुछ न कुछ तो खरीद करके जाएगा, विदेशी टूरिस्ट आएगा वो तो शायद यहां से हटने का नाम नहीं लेगा।